एंटीक नाइफ से शुरुआत कर सकती हूँ। ठीक है, राशिद को उसको किए की एक सजा जरूर मिलेगी। और हाँ, मुझे लेटर मैंने तुम्हें बनाने के लिए कहा था, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन अमल, तुम जो करना चाहती हो वो बहुत रिस्की है। राशिद बहुत चालाक है, वो तो इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं। मैं जानती हूँ कि राशिद बहुत चालाक इंसान है, लेकिन रेहान जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, उसकी दो कमजोरियां हैं, एक पैसा और दूसरा आज़ादी। बस हमें इन्हीं दो कमजोरियों से फायदा उठाना है और फिर ये केस हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। अमल, तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते? हाँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि राशिद जैसा इंसान कभी कुछ सही कर ही नहीं सकता। वो हमेशा किसी गलत रास्ते का इंतखाब ही करेगा और फिर उसके उठने वाला एक गलत कदम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा, जो जेल की सलाह है। अविस, जो तुम कह रही हो वैसा ही है। थैंक्स। चलो अब कॉफी पियो, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो गया बानो, कहाँ गायब हो? इतने दिन हो गए तुम मुझसे मिलने नहीं आई। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है। हाँ, वो मैं काम में आजकल बड़ी मसरूफ होती हूँ ना, तो टाइम नहीं मिला मुझे मिलने का तुझसे। अच्छा, इतनी मसरूफ हो गई हो कि अपने दिलावर से मिलने का टाइम नहीं? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। नहीं, कैसी बातें कर रहा है तू? अब कैसा है तू? वो ना, सच बताओ ना, आजकल घर में बड़ी टेंशन चल रही है। सही कहो, मुझे मुनासिब नहीं लगता ऐसे मिलना। मुझे तो बड़ा डर भी लग रहा है आजकल। डर काहे का? हम लोग मंगेतर हैं, हमारी शादी होगी और हम लोग तो मुलाजिम लोग हैं, हमें काहे का डर? और फिर मैं तेरे साथ हूँ। शायद तू सही कह रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है, मुझे ना बड़ी घबराहट होती है। तू जा यहाँ से, कोई देख लेगा ना, खामोखा में टेंशन होनी है फिर। इसे क्या हुआ? ये मुझसे दूर क्यों भाग रही है? इसका ये बदला हुआ रवैया मेरे लिए खतरे की घंटी है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है। जा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, जा रहा हूं। फिर से आ गया ये। या अल्लाह, अमल की हिफाजत फरमा।
वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। उन जालिमों के मुकाबले उसकी मदद कर दे। उसके दुश्मनों की ये चाल नाकाम बना दे। मामा, इस वक्त यहाँ सब ठीक है ना? ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? ये ज़हीन क्या कह रहा है कि तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है? जानती हो दिलशाद तुम्हारे साथ क्या करेगी? कितने खतरनाक लोग हैं ये। बस मां, मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों से लड़ूं। मेरा दिल चाहता है कि मैंने दिखाऊं कि मैं लोगों से नहीं डरती। बहुत तंग किया इन लोगों ने मुझे। बैठो। परेशान मत, मैं तुम्हें यूं परेशान नहीं देख सकती। मां, मुझे आपकी जरूरत है। आप प्लीज मेरा साथ ना छोड़िएगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू मामा। वो टीवी पर मैंने ज़हीन के साथ रेहान को देखा था, उसका यहाँ क्या काम? मामा, रेहान दिलशाद आंटी का मैनेजर है, ज़हीन के ऑफिस में जॉब करता है। क्या? डोंट वरी मामा, यहाँ पर किसी को नहीं मालूम कि रेहान मेरा फ्रेंड है, और ना ही रेहान की तरफ से कभी भी ये बात सामने आई है। इनफैक्ट वो इस बात का बहुत ख्याल रखता है। रेहान बहुत समझदार लड़का है। जी मामा, इसने हमेशा हर मामले में मेरा साथ दिया है। अच्छी बात है, कम से कम तुम अकेला नहीं फील कर रही। अच्छा अमल, एक बात तुमसे पूछनी थी, सच सच बताओ मुझे। जी पूछिए मामा। तुमने ज़हीन को क्यों छुपाया, जबकि तुमने खुद ही कहा था कि उसने तुम पर हमला किया, तुम्हें मारने की कोशिश की है, फिर खुद जाकर FIR कैंसिल करवा दी? मामा, हालात बहुत उलझ गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर दिलशाद आंटी ने घर से सारे CCTV कैमरे उतरवा दिए। मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि घर में कौन दाखिल हुआ था। घर से कैमरे उतरवा दिए, क्यों? वो सब मैं नहीं जानती, बस मुझे इतना मालूम है कि उस रात मेरे रूम में आने वाला शख्स ज़हीन नहीं था। लेकिन वो शख्स जो भी था, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। अमल, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, छोड़ो ये सब और वापस आ जाओ। मामा, जब तक ज़हीन मुझे तलाक नहीं देते था, मैं घर वापस नहीं आ सकती। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। हक महर का पैसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मामा, क्यों समझें कि ये हक महर मेरे आंसुओं की कीमत है। एंड यू नो मामा, इस सब में बहुत सी NGOs मेरी हेल्प कर रही हैं।